हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को झटका लगा है। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें एक साल पहले ही इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। इस्तीफा देने को लेकर सुनील जाखड़ ने चुप्पी साधी है। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया गुरुवार को एक रिपोर्टर पर भड़क गए। रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि इस्तीफा कब दे रहे हैं। सिद्धरमैया ने रिपोर्टर का माइक खटक लिया और कहा कि जब जरूरत होगी तब कॉल करके बता दूंगा। विपक्षी मांग की सिद्धरमैया सीएम की कुर्सी छोड़ दे। इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा और जनता दल सेक्युलर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गुरुवार देर रात गठन किया गया है। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी बस हमले से जुड़े मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुक्रवार को छापा मारा। एजेंसी सीआईआईसी और राजौरी में 7 जगहों पर तलाशी ले रही है। जिन जगहों की तलाशी ली जा रही है वे हाईब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में 9 जून को शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर 2 आतंकियों ने गोली मारी थी, जिसमें आतंकी सेना जैसी वर्दी पहनकर आए थे। केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2024 से ये बढ़ोतरी लागू होगी। मिनिमम वेज रेट को स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और उच्च स्किल के और एबी और सी जियोग्राफिकल एरिया में बांटा गया है। मिनिमम वेज रेट में बढ़ोतरी के बाद एरिया ए में कंस्ट्रक्शन, स्वीपिंग, क्लीनिंग, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले अनस्किल्ड वर्कर्स की मजदूरी 782 रुपये प्रतिदिन होगी। पुदुकुट्टई जिले में एक घर के बाहर खड़ी कार में 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह तिरुची कारीकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नमन समुद्रम के पास एक इमारत के बाहर खड़ी कार में एक परिवार के 5 सदस्य मृत पाए गए। ये सभी तमिलनाडु के सेलम के रहने वाले थे। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लोन के दबाव में आकर परिवार के सभी सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस मुकाबले के दौरान बारिश का रोल काफी अहम है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया है। टीम इंडिया उसी प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में भी जा रही है जिसके साथ वो चेन्नई टेस्ट में खेल रहे थे। इसराइल ने गुरुवार 26 सितंबर को दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत हो गई। इसराइली अधिकारियों ने सरूर की मौत की पुष्टि की है। दूसरी तरफ इसराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इंकार कर दिया। इसराइली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने गुरुवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि सीज फायर की रिपोर्ट गलत है। बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर गुरुवार की रात पथराव हो गया। पथराव की वजह से कई बोगियों के शीशे टूट गए। वहीं स्लीपर कोच पर भी पथराव किया गया जिससे कई यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों का समस्तीपुर में ही इलाज कराया गया। घटना के बाद ट्रेन 45 मिनट देरी से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंची। शेयर बाजार ने आज 27 सितंबर को लगातार 8वें दिन ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 85,966 और निफ्टी ने 26,271 का स्तर छुआ। अभी सेंसेक्स 80 अंक की तेजी के साथ 85,910 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 40 अंक की बढ़त है, ये 26,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आईटी सेक्टर शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है।